अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके एक बार वीडियो को चेक कर लीजिए। लोगा न्याजा जो जो भी जिसके भी मन्नतें रहते तो यहाँ पे आके न्याजा करते। यहाँ पे लोग यहाँ पे पकाते खाते रहते, प्री न्याज करके जाते लोग घर को। देखिए इस तरह से रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे रहते भी झूले दाए कितना अच्छा है रखे बच्चों को, बहुत अच्छा दिख रहा। अल्लाह हम लोग की ज़ियारत अच्छे से हो गई। अब हम यहाँ से दूसरी दरगाह को जा रहे वहाँ पे दूसरी दरगाह को जाके, मेरे को दरगाह का नाम नहीं मालूम, वहाँ जाके मैं मालूम करती हूँ क्या है वो दरगाहों का नाम। तो अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे, आगे मैं बताती हूँ वहाँ का क्या क्या है क्या क्या नहीं। मामूपुरी स्वीट्स यहाँ पे बहुत अच्छे फेमस मामूपुरी मिलते, तो हम लोग यहीं से बाइक कर रहे हैं। मैं इनका लोकेशन आपको बताती हूँ, दरगाह की रोड ये है। वहाँ से रिटर्न होते हुए यहाँ पे, वहाँ से ऐसा रिटर्न होते हुए तो अपोजिट में उनकी शॉप दिख जाती है, मामूपुरी स्वीट्स बोल के है यहाँ पे। पहले टेस्ट करने के लिए देते वो लोग कैसा है क्या ना, उसके बाद हम लोग वो टेस्ट के मुताबिक बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते बोल के, हम लोग वही टेस्ट कर रहे हैं। अच्छी है, इट्स टेस्टी। हम लोग यहाँ पे इनके पास से डब्बे ले लिए मिठाई के, अब यहाँ से दूसरी दरगाह के लिए चलेंगे। दरगाह का नाम यहाँ पे लिखे हुआ है बारगाह हज़रत सैयद शाह रुकुद्दीन तोला हज़रत, तो रुकुद्दीन तोला इस दरगाह का नाम है। बंदे नमाज ख्वाजा बंदे नमाज के मज़ार पे ज़ियारत करने के बाद यहाँ पे आते थोड़े लोग। अरे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़े लोग न्याज करते मन्नतें पूरी हुई से वाले। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है मज़ार इसकी, मैं भी फर्स्ट टाइम आई, अंदर जाके देखती हूँ कैसा है क्या नहीं। तो ये पूरे सीढ़ियाँ चढ़ना है हम लोगों को, चढ़ के ऊपर आ गए हम लोग। ये दम मारा थोड़ा, तो ये है ऊपर का व्यू। क्या बोले पापड़ा है वो। कुमुद्दीन तोला की दरगाह की एंट्रेंस है ये, अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है एंट्रेंस। इसके अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लोग वजू करते पानी भर के ले लेके जाते हैं अंदर, बहुत अच्छा है, सुकून का माहौल है। अंदर का व्यू, सॉरी मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकती, थोड़ा वो जो भी मेरे को ज़रूरत दिखेगा मैं वही कैप्चर करूँगी। ये है इसके बैक साइड का एरिया, उ
उस साइड पे क्या बोलते हैं लोगों की जो भी मन्नतें रहते मांगते जो मन्नतें, तो वो लोग इस तरह से जो छोटे छोटे पत्थर है ऐसा जमा के रखते बोल के बोल रहे थे यहाँ के लोग। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बस अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए हमको। यहाँ पे भी थोड़ी देर बैठे मजा, यहाँ पे बैठे दूरदर्शन पड़े यासीन पड़े। अब जाएंगे हम लोग यहाँ से, बहुत देर हो गई। अब यहाँ से हम लोग मेरी कज़न सिस्टर के घर को भी जाना है, उन लोग बुलाए हम लोग को, हम लोग भी गुलबर्गा के पास ही रहते। हम लोग मेरी कज़न सिस्टर के पास आ गए। हम लोग आए तक हमारी बहन जो है ना गुलबर्गा की फेमस साग बने, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। कलर देखिए आप इसका, इतना प्यारा कलर आया। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न हो रहे हमारे खाला के घर को, मेरे मम्मी के सेकेंड वाली बहन के घर को जा रहे। उन्होंने यहाँ क्या बोलते सेड़म में रहते, जो कर्नाटक में है सेड़म में रहते। ये मेरी जो कज़न सिस्टर है ये गुलबर्गा में रहते, जंग गुलबर्गा की दरगाह है ना ख्वाजा बंदी नवाज, उधर दरगाह के थोड़े आगे रहते हैं नो। तो हम लोग दरगाह में ज़्यारत करके मेरी बहन से मिल लेके अब हमारे आंटी के घर को जा रहे। तो चले आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते। अब तक तो हालत बहुत ख़राब हो गई। हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करे थे, खाना वो ये खा के रेस्ट करे, उसके बाद अभी निकल रही। क्या टाइम हो रहा अभी, 6:30 हो रहे। वहाँ पे गए तक 8:00, डेढ़ घंटे का रास्ता रहता वो सेडम का। तो चले देखेंगे आगे कैसा कैसा होता। ये है सेडम गांव, तो मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ गांव का।